नमस्कार। आज आपके MTS के जो नोटिफिकेशन है 2023 के, वो निकलने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो कैलेंडर दिया गया था उसमें 17 जनवरी को आपका SSC MTS का जो नोटिफिकेशन है वो निकलेगा। तो आज क्लियर हो जाएगा शाम तक कि कितने वैकेंसी निकलेंगे। MTS में हवलदार के भी पोस्ट हैं, ये आपको पता है कि इस बार भी हवलदार के पोस्ट निकलेंगे। तो ये तो रही कि आज आज इसका नोटिफिकेशन निकलेगा, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी मुद्दे की बात ये जो मैं पेपर आपको कटिंग दिखा रहा हूँ, इसमें CA यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट और आपके BTEC यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या MBA जिसे कह सकते हैं, मतलब कि मास्टर जो होता है बिजनेस में जो मास्टर करते हैं, ये जो तमाम जो लोग हैं, मतलब ओहदे वाले लोग या पहुंच वाले लोग, वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं जैसा कि इस न्यूज़पेपर में दे रखा है। देखिए, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है कि इसके लिए अप्लाई करते हैं। इवन मैं BTEC होल्डर हूँ, मैंने ग्रुप डी को ज्वाइन किया, 3 साल ज्वाइन करने के बाद वहाँ काम भी किया, वो अलग बात है कि उसके बाद आदमी आगे बढ़ने की कोशिश करता रहता है। तो इसको हास्यास्पद तरीके से ना लिया जाए तो बेटर होगा, क्योंकि देखिए कोई MTS शौक से नहीं बनता है, मजबूरी बस उसको चाहत होती है। कि किसको चाहत नहीं होती है कि सरकारी जॉब करें, क्योंकि MTS एक सरकार गवर्नमेंट जॉब है, तो ऑब्वियस है लोग भागेंगे ही। हाँ, वो अलग बात है कि आप इसको प्राइवेट कर लो और जो सैलरी है वो 30 की जगह 40 कर दो, फिर देखो कोई नहीं भरेगा, मतलब भरेगा लेकिन उतना नहीं भरेगा, उतना क्रेज नहीं होगा। तो यही चीज़ है कि गवर्नमेंट का एक टैग हो जाना चाहिए, किसी भी तरह के जॉब हो तो वो मैटर नहीं करता है कि आप MTS है या क्या चीज़ में हैं, बस वो उसके बाद एक बेस मिल जाता है, लोगों के पास पैसे आने लगते हैं, तो वो कम से कम घर से इंडिपेंडेंट हो जाता है, एक गवर्नमेंट जॉब होती है तो आगे बढ़ सकता है। जैसा कि मैंने ग्रुप डी ज्वाइन करने के बाद फिर आगे बढ़ा, अभी SSC में कार्यरत हूँ। तो ये चीज़ें हैं, इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। पेपर वाले मजाक में उड़ा देते हैं कि इतनी बेरोजगारी है, तो ऑब्वियस है तो है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, फॉर्म भरेंगे ही, चाहे तो MBA किए हो या कुछ भी किए हो। ठीक है, तो आज वेट कीजिए, आज आपका MTS का हवलदार का जो है वो वैकेंसी तकरीबन 7 से एवं यानी कि 10,000 से के अराउंड आएगी, या ऐसा मुझे प्रतीत होता है, क्योंकि इलेक्शन इन फ्यूचर है और अभी आप देखते होंगे कि न्यूज़पेपर में आया है कि 2023 में 9 जगह इलेक्शन है, तो इसका भी हो सकता है कि प्रभाव पड़े इस वैकेंसी पे इलेक्शन का। तो देखते हैं क्या होता है, बट आज शाम तक क्लियर हो जाएगा कि कितने वैकेंसी आएंगे और हवलदार के कितने वैकेंसी हैं। ठीक है, तो देखते हैं, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।